ये रही मैम आपकी गाड़ी। वाओ मन्नत, ये गाड़ी जैसी देखी थी उसे बहुत अच्छी है। हाँ यार सच में। सिर्फ देखने से क्या होगा मैम, आप एक बार गाड़ी चलाकर तो देखिए। हाँ रेशम चल चलते हैं। तो बताइए मैम कैसी लगी आपको गाड़ी? भैया आपकी गाड़ी चलने में तो बहुत ही अच्छी है, और हमने जिस तरह सोचा था गाड़ी का परफॉर्मेंस उससे भी बेटर है। मैम मैंने गाड़ी मेंटेन ही ऐसे की है कि देखने वाले को पहले नजर में पसंद आ जाती है। भैया अगर आपकी गाड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में है तो आप उसे बेचना क्यों चाहते हो? मैम दरअसल बात यह है कि पिछले एक महीने से मेरे पिताजी का इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि पूरे 4 लाख रुपए खर्चा होने वाला है। अब क्या करें, पिताजी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी भैया, हमें पता नहीं था। इट्स ओके मैम। तो बताइए क्या फाइनल किया आपने इस गाड़ी के बारे में? हाँ भैया गाड़ी तो हमें अच्छी लगी, आप हमें 2 दिन का वक्त दीजिए फिर हम आपको फाइनल बताते हैं। सॉरी मैम मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, ऑलरेडी ये गाड़ी मैं 3 कस्टमर को दिखा चुका हूँ, उनमें से 2 लोग तो पूरा पेमेंट देने को रेडी हैं। वो तो क्या है ना, हमारी पहले बात हो चुकी थी इसलिए गाड़ी मैं आपको दिखाने आ गया। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो कुछ तो एडवांस देना होगा। मन्नत इधर आओ, देखो इतनी अच्छी गाड़ी हमें कहीं नहीं मिलेगी और इसको पैसों की जरूरत भी है, तो क्यों ना इसको हम 2 लाख रुपए दे के ये गाड़ी खरीद लें। हाँ ये बात तूने सही कही, चल मैं इससे चल के बात करती हूँ। देखो भैया आपने हमें इस गाड़ी की प्राइस 3 लाख बताई है, लेकिन अगर आप इसे 2 लाख में देने को रेडी हो तो अभी के अभी मैं आपको पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बोलो मंजूर। अरे मैम आप इस गाड़ी की कंडीशन तो देखो, मैं इतने सस्ते में कैसे दे सकता हूँ। देखिए भैया आपको पैसों की जरूरत है इसीलिए हम आपको पूरी पेमेंट एक साथ दे रहे हैं, आप भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे और हमको गाड़ी। ओके मैम जैसा आपको ठीक लगे। ये लीजिए मैम आज से गाड़ी आपकी हुई, और ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, एक बार आप चेक कर लेना। ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए, आप गिन लीजिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, मुझे आप पर विश्वास है। ए, रुको रुको गाड़ी रुको, ऊपर नीचे साइड पे रो गाड़ी। पुलिस, ये गाड़ी कहाँ से उठा के लाए तुम लोग? सर उठा के नहीं लाए, आज सुबह ही 2 लाख रुपए देके हमने ये सेकंड हैंड कार खरीदी है। अच्छा इस कार के पेपर दिखाओ मुझे। बोलो बोले। जी सर। गाड़ी में जरा चेक करो तो सब सही है क्या? ठीक है सर। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, एक तो चोरी की गाड़ी लाए हो ऊपर से मुझे सवाल कर रहे हो। क्या चोरी की गाड़ी? लेकिन हमारे पास तो इसके पेपर्स है ना। ये कार लेने से पहले एक बार भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए, ये सारे पेपर्स नकली है। सर कल ही हमने ये गाड़ी खरीदी, एक आदमी ने डिटेल डाली थी, पूरे 2 लाख रुपए दिए हमने उसे। उस आदमी ने बेवकूफ बना के ये गाड़ी आपको बेच दी है, आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा पूछताछ के लिए। सर लेकिन हमारी बात तो सुनिए। चलिए बाद में बात करेंगे, चलिए यहाँ से चलिए।